बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। सुधाकर सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे विभाग के लोग चोर हैं और हम उन चोरों के सरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर भी कई सरदार मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कृषि मंत्री का ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनके इस बयान से अब मौजूदा सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कैमूर में कल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि बिहार राज्य बीज निगम के बीज को किसान अपने खेतों में लगाते होंगे। उन्होंने राज्य बीज निगम पर आरोप लगाया कि जिन किसानों को धान की अच्छी खेती करनी होती है वह बिहार राज्य बीज निगम के धान के बीज को तो लेते ही नहीं है, अगर किसी कारणवश ले भी जाते हैं तो उसे अपने खेतों में नहीं डालते हैं। बीज निगम वाला 150-200 करोड़ रुपया वे लोग ही खा जाते हैं। हमारे विभाग का कोई ऐसा अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता होगा। इस तरह से हम चोरों के सरदार हुए। आप अगर पुतला फूंकते रहिएगा तो मुझे याद रहेगा कि किसान मुझसे नाराज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। लोहिया जी ने ठीक कहा था कि जब संसद हमारा होगा तो लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम अकेले सरदार नहीं हैं, हमारे ऊपर भी कई लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार वही पुरानी है, उसके चाल चलन भी पुराने और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं है। वह अंदाजा लगा रहे हैं कि होगा क्या। वह सोच रहे हैं कि अच्छा चलो आरजेडी नहीं भी रखेगी तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। सुधाकर सिंह का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता कि बीज निगम के बीज को किसान खेतों में लगाता है, और लगाता होगा तो इस सोचता होगा चलो कुछ हो नहीं फायदा होगा तो लगा लेता होगा, लेकिन जिसको फायदा करना हो तो नहीं लगाता। ये सारे 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीज निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार है, हम सरदार ही लगाए हुए। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक कहते गए थे जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। बता दें कि 2013 में सुधाकर सिंह पर चावल घोटाला का आरोप नीतीश सरकार में ही लगा था। इस वजह से नीतीश कुमार से उनके राजनीतिक रिश्ते बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। जगदानंद सिंह भी नीतीश कुमार से खासे नाराज दिखते रहे हैं। वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, अभी वे राजद के विधायक हैं और कृषि मंत्री हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।